चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कृष्णलाल की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। माता अन्नपूर्णा की जय हो। काशी गोदवाल भैरवनाथ जी महाराज की जय हो। गंगा मैया की जय हो। चारों भैया की जय हो। कृष्ण कन्हैया की जय हो। बलदाऊ भैया की जय हो। यशोदा मैया की जय हो। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परात्पर अखिलेश्वर तड़ियुत विनिंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए मंडप में आवाहित अनंत कोटि देवी देवताओं को नमन करते हुए मंचस्थ आचार्यगण एवं महिमामयी महाभागा अम्बा परम्बा के वरद पुत्र के रूप में संगीताचार्य बंधु श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के हमारे मुख्य यजमान श्री त्रिवेदी जी एवं इस पवित्र प्रांगण में समवेत रूप से एकीभूत हुई उन समस्त पंचभूत आत्माओं को प्रणाम करते हुए आज श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वितीय दिवस की प्रथम सत्र में हम सभी लोग अपने मन को वहीं लेकर के चल रहे हैं जहां पर ये सुंदर मंगलमयी कथा संपन्न हो रही है। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषियों का समुदाय बैठा हुआ है। सूत जी महाराज व्यासपीठ पर आसनासीन है। जो सुंदर कथा को बड़े ही सुंदर सुंदर दृष्टांतों के माध्यम से उन संतों के मध्य उनका व्याख्यान कर रहे हैं तो आइए उस कथा का पान करने के पूर्व प्यारे सबसे पहले हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। यदि हमारे मन में किसी प्रकार की मलिनता रहती है तो निश्चित रूप से जो चीज हम ग्रहण करते हैं वो भी मलिन हो जाती है, वो भी प्रायः नष्ट हो जाती है। यदि हमारा अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार इन चार चीजों से मिलकर के बना अंतःकरण यदि हमारा मन शुद्ध नहीं है तो क्या वो यहां रुक पाएगा क्या? मन में प्यारे संतों ने ऐसा कहा है कि मन में कभी दो बातें एक साथ नहीं आती, मन में एक बात एक बार आती है सिर्फ। तो वो एक ही बात हमारे मन में निरंतर बनी रहे, प्रभु हमारे मन में किसी प्रकार की द्वेष भावना ना उत्पन्न हो। कथा में मेरा मन लगे तो आइए गिरधर गोपाल से प्रार्थना करते हैं और हम चाहेंगे प्यारे कि सभी लोगों के मुख से तालियों के साथ प्रभु नाम संकीर्तन हो, उसके पश्चात हम सभी लोग कथा में प्रवेश। गोविंद जय जय गोपाल जय Oh, my God.
Thank you.